नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3, x माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स. सो दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप होमोजीनियस, राइट. अगर आपको ये चेक करना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, देन आप इसमें डिग्री ऑफ एवरी टर्म चेक करेंगे. सो इस ब्रैकेट में अगर हम x की डिग्री देखें वो क्या है, 1. y की डिग्री भी यहाँ पर 1 है. डिग्री ऑफ x इज अगेन हेयर 1 एंड y 1. यहाँ पर हर टर्म में जो भी डिग्री है सब एक है, यानी कि सारी टर्म्स की डिग्री एक जैसी है. सो इट इज़ ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. मैंने आपको यही बताया था क्या होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ एवरी टर्म इज सेम. सो इट इज़ ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पर हर टर्म की डिग्री एक जैसी है, राइट. सो व्हाट विल बी, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड करना है, ये इक्वल टू जीरो हमें दिया हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. सो एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स. दिस इम्प्लाइज वट विल बी डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, करेक्ट. उसके बाद आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, जो होमोजीनियस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक सब्सटीट्यूशन होता है. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, y का डेरिवेटिव हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स. वी एक्स पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, v इंटू डेरिवेटिव x इज 1 प्लस x इंटू v का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स, राइट. आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में आप डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या टर्म रिप्लेस करेंगे, v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में x प्लस वाई की जगह आपको क्या पुट करना है, वी एक्स. सो वाई के प्लेस पे यू विल पुट वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स, करेक्ट. आफ्टर दैट वी प्लस लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स. राइट साइड में आप न्यूमरेटर से x कॉमन लेते हैं, x इंटू यहाँ पर आपके पास बाकी बचेगा 1 प्लस वी अपॉन. नीचे से भी अगर आप x कॉमन लेते हैं देन यू आर लेफ्ट विद 1 माइनस वी. x आपका कैंसिल हो गया, राइट. दिस इम्प्लाइज x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी. इस v को जो लेफ्ट हैंड साइड में था इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, सो इट विल बी माइनस वी विच इज इक्वल टू एलसीएम हो गया 1 माइनस वी, 1 प्लस वी एज इट इज माइनस एलसीएम लेंगे, ये टर्म v के साथ मल्टीप्लाई होगी माइनस वी इंटू 1 माइनस वी, राइट. दिस एम्प्लाइज x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए जरा 1 प्लस वी, ये 1 प्लस वी एज इट इज माइनस ओपन करेंगे, दिस इज माइनस वी प्लस वी स्क्वेयर, माइनस वी प्लस वी स्क्वेयर. इन दोनों का आप कैंसिल कर सकते हैं, डिनोमिनेटर आपके क्या है 1 माइनस 1 माइनस वी, करेक्ट. ओके दिस एम्प्लाइज एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया आपका वी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वी, वी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वी, राइट. दिस एम्प्लाइज अब हम यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था जब एक बार आपको ये टर्म सिंप्लीफाई हो जाती है उसके बाद आपको वेरिएबल सेपरेट करने हैं, राइट. सो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी वी की सारी टर्म्स आप डी वी की तरफ इकट्ठा करेंगे, सो इट इज़ 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू और एक्स को आप राइट साइड में लिखेंगे, एक्स को राइट हैंड साइड में लिखते हैं देन इट इज़ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है. नाउ वी विल इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स. यहाँ पर अगर आप इसको सेपरेट कर देते हैं 1 अपॉन वी स्क्वेयर प्लस 1 डी वी, मैंने 1 को डिनोमिनेटर से सेपरेटली डिवाइड किया उसका एक अलग इंटीग्रेशन कर दिया माइनस, सेकंड में हमारे पास है v अपॉन वी स्क्वेयर प्लस 1. सो v अपॉन वी स्क्वेयर प्लस 1 डी वी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है 1 अपॉन x एंड 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड x प्लस c, करेक्ट. इस टाइप से सो दिस इज नाउ 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा टेंजेंट इनवर्स वी माइनस,
यहाँ पर अगर टू से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर हम वी स्क्वेयर प्लस वन को मल्टीप्लाई पुट करते हैं टी, टू वी डी वी विल बी डी टी, राइट। यानी कि न्यूमरेटर में ये कंप्लीट टर्म डी टी बन सकती है और ये नीचे टी, सो दिस विल बी ऑफ द टाइप डी टी अपॉन टू डी टी अपॉन टी, एंड डी टी अपॉन टी इस टाइप के टर्म का इंटीग्रेशन होगा लॉग टी, टी के जगह पर क्या होगा वी स्क्वेयर प्लस वन, राइट। अगर ये इंटीग्रेशन आपको समझ नहीं आया तो आप इसको सेपरेटली वी स्क्वेयर प्लस वन को टी पुट करके चेक कर सकते हैं, वन बाई टू खुद से ट्राई कर सकते हैं इसको, लॉग ऑफ वी स्क्वेयर प्लस वन, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी, करेक्ट। अच्छा अब आपको क्या करना है, टेंजेंट इनवर्स। अब आप वी को वापस रिप्लेस करेंगे, वी हमने क्या पुट किया था, वी इज वाई इज इक्वल टू वी एक्स था, यहाँ से अगर आप वी की वैल्यू फाइंड करते हैं सो इट विल बी एक्स वी के वाई के डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, वाई अपॉन एक्स विल बी वी, वी के वैल्यू क्या होगी वाई अपॉन एक्स, सो इस वैल्यू को हम वापस रिप्लेस कर देते हैं, टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस हाफ लॉग ऑफ वी की वैल्यू क्या होगी वाई अपॉन एक्स, सो इट इज़ वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा इसके स्टेप्स को आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सो वो कैसे होंगे, फर्स्ट टर्म टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स को एज इट इज लिखिए, माइनस यहाँ पर जो टर्म है इसको आप टू से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टू से डिवाइड कर सकते हैं, और जिस टू से मल्टीप्लाई किया ये टू यहाँ पर लॉग एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, राइट। अच्छा सो वन इट विल बी वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा इस टर्म को अगर हम लेफ्ट में लेके आते हैं देन वन बाई टू यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, वन बाई टू आप कॉमन ले लीजिए, सो यू आर लेफ्ट विथ लॉग ऑफ वन माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेते हैं देन इट विल बिकम वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। अच्छा ये तो ये टर्म हो गई आपकी, राइट साइड से आप क्या कॉमन सर एक बार मैं लिख देता हूँ, माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में अब आपका अकेला क्या बचा हुआ है सी, करेक्ट। दिस इज नाउ टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस यहाँ पर हाफ और हाफ इन दोनों टर्म से कॉमन ले लीजिए, सो लॉग की दोनों टर्म्स और माइनस भी कॉमन आ गया, अब ये लॉग की दो जो दो टर्म है दिस एंड दिस प्लस में होंगी, एंड यू नो लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम इंटू एन, सो इट विल बी लॉग ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू ये एक्स स्क्वेयर था जो मैंने लिखा नहीं इंटू एक्स स्क्वेयर, राइट। लॉग एम क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस में चेंज हो जाएगा, सो इट विल बी लॉग एम प्लस लॉग एन, राइट, दैट इज लॉग एम इंटू एन इज इक्वल टू सी, यहाँ से आप एक्स स्क्वेयर कैंसिल कर सकते हैं, सो योर राइट आंसर आंसर विल बी, यहीं पर लिख देता हूँ मैं आंसर, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। सो इट वॉज थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.5। लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस, लेट अस टेक इट सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज एक्स इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। देखो जरा यहाँ पर ये एक टर्म डी वाई की है, बाकी हमारी दिस एंड दिस ये दोनों टर्म डी एक्स के साथ में है, ओके। सो पहले हम डी एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, माइनस वाई क्या हो जाएगा प्लस वाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा, एंड फूल कंप्लीट ब्रैकेट के बाहर क्या लिख सकते हैं डी एक्स, ओके। अगर आप यहाँ पर इस इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेट करना चाहेंगे कर नहीं पाएंगे, क्यों, मैंने आपको बताया था कि x और y के टर्म्स के बीच में
प्लस या माइनस का, ये एक टर्म है जिसमें एक्स है एंड ये वाई की टर्म है, एक्स और वाई के दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस साइन आ जाए और ब्रैकेट के बाहर डी एक्स हो, तो वेरिएबल्स कभी सेपरेट नहीं होते, राइट। सो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करना मुश्किल है। ओके, इस टर्म में डिग्री चेक करते हैं, होमोजीनियस चेक करते हैं या नहीं। फर्स्ट टर्म जो हमारी है उसमें एक्स की डिग्री क्या है, वन, यहाँ पर भी वाई की डिग्री वन है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है लेकिन रूट के अंदर है, सो इसकी डिग्री क्या काउंट होगी, वन, राइट, क्योंकि रूट हाफ होता है, ये एक्स स्क्वायर है, हाफ और एक्स स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है और ऊपर रूट है, सो इसकी डिग्री भी क्या कंसिडर की जाएगी, वन। सो जितने भी टर्म्स यहाँ पर है सबकी डिग्री एक जैसी है, सो इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट dy बाई dx, व्हाट विल बी dy बाई dx, इट विल बी y प्लस ये राइट साइड की टर्म एज इट इज रहेगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, लेफ्ट साइड में जो x है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, राइट। नाउ यू नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू vx, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम y इज इक्वल टू vx पुट करते हैं, सो डेरिवेटिव y इज dy बाई dx, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, v इंटू एक्स डेरीवेटिव होगा x का वन प्लस x इंटू वी का डेरीवेटिव dv बाई dx, राइट। यहाँ से हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई है, सो नाउ dy बाई dx को हम रिप्लेस कर देंगे, dy बाई dx से जगह क्या लिखेंगे, v प्लस x इंटू dv बाई dx, v प्लस x इंटू dv बाई dx, विच इज इक्वल टू राइट साइड में y की जगह आप क्या लिखेंगे, vx प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई की जगह आपको क्या लिखना है, वी एक्स, सो इट विल बी वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स एज इट इज रहेगा, दिस इम्प्लाइज वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ज़रा यहाँ से, अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, सो जो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर है उसको आप ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर इंटू वन प्लस वी स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर को अगर रूट से बाहर आप लिखते हैं तो दैट विल बी एक्स, इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, वी एक्स प्लस ये जो स्क्वेयर रूट वाली टर्म है आपके पास, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू वन प्लस वी स्क्वेयर अपॉन एक्स, समझ आया, जैसे यहाँ पर ये एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया था तो रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, एक्स, सो रूट के अंदर सिर्फ वन प्लस वी स्क्वेयर बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप राइट साइड में न्यूमरेटर से एक्स कॉमन ले लेते हैं और इस वी को भी राइट में शिफ्ट कर देते हैं एक्स, तो आपके पास लेफ्ट में बचेगा एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड के न्यूमरेटर से अगर आप एक्स कॉमन लेते हैं ये एक्स कॉमन आएगा और डिनोमिनेटर के एक्स से कैंसिल हो जाएगा, राइट, सो आपके पास बाकी क्या बचेगा, वी प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वेयर, राइट, और लेफ्ट साइड में जो वी है ये भी आपको राइट में शिफ्ट करना है, सो इट इज़ माइनस ऑफ वी, ये दोनों आप कैंसिल कर सकते हैं। नाउ सेपरेटिंग वेरिएबल डी वी के साथ में राइट साइड से जो वन प्लस वी स्क्वेयर है ये डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, वन प्लस वी स्क्वेयर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स को राइट में लेके जाएं डी एक्स, सो एक्स भी डी एक्स की तरफ होना चाहिए, एक्स हमेशा किसकी तरफ होना चाहिए, डी एक्स की तरफ, और वाई किसकी तरफ, डी वाई की तरफ, यहाँ पर वाई के बजाय वी है, सो वी विल एवरी टर्म ऑफ वी विल बी टुवार्ड्स डी वी, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, राइट, वन प्लस वी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट विल बी लॉग ऑफ वी प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वेयर, ठीक है, दिस इज इंटीग्रेशन फॉर अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ एक्स, अब दोनों टर्म लॉग में आ चुकी हैं, सो सी को भी हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ सी, दिस इम्प्लाइज देखिए जरा, लॉग ऑफ वी प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इंटू सी, करेक्ट, दोनों साइड से लॉग हटा देते हैं, वी प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स इंटू सी, ठीक है, अब v की वैल्यू डाल देते हैं, v की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए जरा v की वैल्यू क्या आएगी, v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, सो दिस इज वाई अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स इंटू सी, दिस इम्प्लाइज
एक दो स्टेप्स और सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पर, वाई अपॉन एक्स प्लस, यहाँ अगर आप एलसीएम लेंगे सो इट विल बी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के ऊपर रूट है, नीचे भी एक्स स्क्वेयर के ऊपर रूट होगा लेकिन वो रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। लेफ्ट साइड में अगर आप एलसीएम ले लेते हैं सो वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, जो एलसीएम का एक्स आएगा लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो राइट साइड में क्या होगा एक्स स्क्वेयर इंटू सी एंड दैट विल बी अवर फाइनल आंसर, करेक्ट। ओके चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इज x इंटू कॉस वाई, एक्स कॉस ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है, प्लस वाई साइन ऑफ वाई बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू होल ब्रैकेट के अंदर है ये राइट एंड बाहर ब्रैकेट के है वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आपके पास लिखा हुआ है वाई इंटू साइन y इंटू साइन ऑफ y बाई एक्स माइनस x कॉस y बाई एक्स, ठीक है, x इंटू डी वाई राइट। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कॉस के एंगल में या साइन के एंगल में या कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके एंगल में x अपॉन y है सो दैट विल बी डेफिनेटली ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन राइट। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राई करेंगे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने का, सो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा डी वाई, ये जो टर्म है ये डी एक्स के टर्म के साथ में नीचे आ जाएगी, सो दिस टर्म एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ वाई बाई एक्स अपॉन, हाँ इसके साथ में होल के साथ में क्या था वाई राइट। और जो डी वाई के साथ में टर्म है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी वाई इंटू साइन ऑफ वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स, करेक्ट, इस टाइप से, और इस कंप्लीट के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है एक्स राइट। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए जरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर कोस और साइन के एंगल्स के अंदर अगर वाई बाई एक्स या एक्स अपॉन वाई हो श्योरली दैट डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आपको क्या पुट करना है पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे वाई का डेरीवेटिव कीजिए डी वाई बाई डी एक्स, वी एज इट इज रहेगा, एक्स का डेरीवेटिव वन होगा प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स एज इट इज रहेगा और यहाँ से देखिए वाई, वाई की वैल्यू क्या है वी एक्स, वाई की वैल्यू अगर वी एक्स है देन आप वी को लिख सकते हैं, वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी वाई अपॉन एक्स की वैल्यू होगी यहाँ से अगर आप फाइंड करते हैं तो वी, करेक्ट। सो क्वेश्चन हो गया हमारा एक्स वाई अपॉन एक्स की जगह आप वी लिखेंगे एक्स कॉस वी प्लस वाई इंटू दिस विल बी साइन वाई अपॉन एक्स की जगह वी लिखा जाएगा, ठीक है, दिस अपॉन यहाँ पर एक वाई बचा हुआ है, इस कंप्लीट वाई अपॉन एक्स की जगह हम वी लिख सकते हैं, नीचे वाई, वाई की जगह क्या लिखना है वी एक्स इंटू साइन वी इंटू साइन वी माइनस एक्स इंटू कॉस कॉस वाई अपॉन एक्स दैट इज दैट विल बी कॉस वी, ठीक है, इस टाइप से ये हमारा क्या आ गया वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, सो एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, वी को हम राइट साइड में, इस वी को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और एलसीएम भी लेंगे, ठीक है,
अगर इस वी को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, या हम एक काम और कर सकते हैं, देखिए जरा, दिस इज इक्वल टू एक्स कॉस वी प्लस वाई साइन वी, राइट। इसके बाहर वी मल्टीप्लाई है, इस वी को मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। जब आप एलसीएम लेंगे, इस वी को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, ये भी यहाँ से कैंसिल होकर यहाँ माइनस में आएगा, और एलसीएम लेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है वी के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब हमारा इस एक वी यहाँ पर है और सेकेंड जो टर्म यहाँ आने वाली है उसमें वी आएगा, सो कम्प्लीट में से आप वी को कॉमन ले सकते हो। सो यहाँ आपका हो गया एक्स कोस वी प्लस वाई साइन वी, ये मैंने लिख दिया है, माइनस यहाँ जो टर्म आने वाली है वी हम कॉमन ले चुके हैं, वो टर्म क्या होगी जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये टर्म आपकी इस वी के साथ मल्टीप्लाई होगी, सो दैट विल बी वी एक्स साइन वी इससे पहले यहाँ पर आपको इस y के जगह वी एक्स पुट करना था, y के जगह क्या पुट करना था, x, ठीक है। सो न्यूमरेटर से आप x कॉमन लेके कैंसिल, डिनोमिनेटर से भी आप x कॉमन लेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सिर्फ v बाकी बचेगा, v, राइट। क्या किया मैंने, देखो जरा, यहाँ पर y के जगह आपको क्या लिखना है, वी एक्स, राइट हैंड साइड में जो भी y की टर्म है उनकी जगह वी एक्स लिखना है, राइट। यहाँ पर भी वी एक्स लिखा हुआ था। अब न्यूमरेटर से अगर आप x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे, यहाँ पर एक x मल्टीप्लाई में आएगा, नीचे से भी आप x कॉमन लेंगे, यहाँ पर x मल्टीप्लाई आएंगे, दोनों x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सो यू आर लेफ्ट विद ये टर्म, अब आपके पास क्या बचेगी, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस विल बी कॉस वी, क्या बाकी बचेगा, कॉस वी प्लस, यहाँ पर x तो कॉमन निकल के कैंसिल हो चुका है, सिर्फ आपके पास v बचेगा, v साइन v, v साइन v अपॉन, दिस इज वी साइन वी, वी साइन वी माइनस, यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स, और इसी टर्म को आपने एलसीएम लिया है, वी हम बाहर लेना चाहते हैं, ठीक है। सो ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, माइनस वी इंटू, जो ये टर्म यहाँ से मल्टीप्लाई होनी है, वी साइन वी माइनस वी साइन वी, माइनस कॉस वी होना चाहिए, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, सो इट विल बी प्लस कॉस वी, ठीक है। वी साइन वी दोनों कैंसिल हो गए आपके, सो एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू, यहाँ पर आपके पास क्या बाकी बचा, कॉस वी एंड कॉस वी, सो इट इज़ टू कॉस वी, टू कॉस वी अपॉन में क्या है, वी साइन वी माइनस कॉस वी, ठीक है। नाउ वी विल सेपरेट वेरिएबल्स, सो वी अपॉन वी, वी साइन वी, वी साइन वी माइनस कॉस वी, राइट, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, और जो वहाँ न्यूमरेटर में है वो वहाँ पर वी इंटू कॉस वी, यहाँ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, इंटू क्या रहेगा, डी वी, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में जो एक्स है राइट साइड में जाके वन अपॉन एक्स हो जाएगा, और जो डी एक्स है वो राइट साइड में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, राइट। नाउ वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स, यहाँ पर अगर आप v cos v को t पुट करते हैं, लेट v cos v इज इक्वल टू t, सो v एज इट इज cos v का डेरिवेटिव माइनस साइन v प्लस, अब cos v एज इट इज v का डेरिवेटिव क्या होगा, वन इंटू dv इंटू होल के साथ क्या होगा, dv, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में t के जगह क्या होगा, dt, यानी कि cos v माइनस v साइन v इज इक्वल टू इंटू dv इज इक्वल टू dt, सो वी साइन वी माइनस कॉस वी, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए डी वी, और माइनस को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इट विल, सो इट विल बिकम माइनस ऑफ डी टी, करेक्ट, ये हमारा माइनस डी टी हो गया। सो अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, दिस विल बी माइनस डी टी, इसके जगह आप माइनस ऑफ डी टी लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, इसको हमने टी पुट किया था, राइट, राइट साइड में आपके पास वन अपॉन एक्स डी एक्स है। अच्छा, इस माइनस को आपको राइट में रखना चाहिए प्लस, ठीक है, इस टाइप से। सो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स, अब क्योंकि सारी टर्म लॉग में है सो सी को भी हम क्या लिख लेते हैं, लॉग सी,
नाउ लॉग ऑफ टी हमने क्या पुट किया था, ये उससे पहले लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू राइट साइड में आप लिख सकते हो लॉग ऑफ सी अपॉन एक्स, ठीक है। अगर लॉग को दोनों साइड से एलिमिनेट कर दिया जाए सो यू आर लेफ्ट विथ टी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, और यू कैन से टी एक्स इज इक्वल टू सी। नाउ टी हमने क्या पुट किया है, टी हमने पुट किया है वी कॉस वी को, सो टी के जगह क्या डाल देंगे वी कॉस वी, वी कॉस ऑफ वी इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। एंड वाट इज वी, वी इज वाट वाई बाय एक्स कॉस ऑफ वाई बाय एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू सी, ये कैंसिल हो गया आपका, दिस इम्प्लाइज। अच्छा एक यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो गया, वो छोटी सी मिस्टेक क्या है कि ये जो टू था यहाँ पर, ये टू आपका यहाँ भी लिखा जाएगा, यहाँ रहेगा टू, दिस विल बी टू, ये टू यहाँ पर होगा और इसको आप x की पावर में लिख सकते हो, ये टू यहाँ पर log x square हो जाएगा, सो दिस विल बी x square, यहाँ पर x square होगा, दिस इज ऑल्सो x square, ये x square होगा, ओके यहाँ पर x square होगा, ये x square होगा, x की एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, सो दिस इज एक्स वाई कॉस ऑफ y अपॉन x, दिस इज इक्वल टू c, इट इज़ योर फाइनल आंसर, ऑल राइट।